Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, ये चैप्टर भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरह से चार पार्ट्स में चलेगा. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, नंबर टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नंबर थ्री रिवैल्यूएशन पे पहुंच गया. रिवैल्यूएशन बनाना अब आप सीख चुके हो. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अब आपको समझ में आती है कि अगर हम लोग एसेट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो प्रॉफिट होता है, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे. अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. इसके बाद लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में अगर कोई इंक्रीज होता है तो वो लॉस है डेबिट साइड पे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी और प्रोविजन. और अगर लायबिलिटी और प्रोविजंस में कोई डिक्रीज होता है तो दैट इज अ गेन, क्रेडिट ऑल द गेन्स, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी और प्रोविजन डेबिट हो जाएगा. और पिछले चैप्टर की तरह से जितना भी प्रॉफिट और लॉस है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट ओल्ड रेशियो में, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो. बिल्कुल वैसे जैसे एडमिशन में पढ़ा, सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ओके, डन.